कहते हैं इंसान की मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व मिट जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सिर्फ एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं। पर क्या वैज्ञानिकों की ये धारणा सच है? क्योंकि साल 1930 में भारत की एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसने वैज्ञानिकों की कही हुई इस बात पर सवाल खड़े कर दिए। 4 साल की एक छोटी बच्ची अपने माता पिता से कहने लगी कि जिस घर में वो रह रही है वो उसका घर नहीं है। वो अपना नाम लुगड़ी देवी बताने लगी, जबकि उसका वास्तविक नाम शांति देवी था। इस बच्ची ने ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे किए जिसे सुनकर महात्मा गांधी से लेकर विश्व के बड़े बड़े दिग्गज भी इस पुनर्जन्म के अस्तित्व को झुठला नहीं पाए। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था इस 4 साल की बच्ची के साथ जिसने दुनिया भर में पुनर्जन्म जैसे विषय पर सोचने पे मजबूर कर दिया? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक आपकी दोस्त दीपिका के साथ Only on thrilling weekends। पुनर्जन्म एक ऐसा सिद्धांत है जिसे विश्व के हर धर्म ने माना है। हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, पुराणों, यहाँ तक कि भगवद गीता में भी पुनर्जन्म के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। मनुष्य अपने जीवन काल में जिस प्रकार से कर्म करता है उसके फलस्वरूप उसका अगला जन्म होता है। वेदों के अनुसार मनुष्य या कोई भी जीव कुल 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जा बसती है। पुनर्जन्म में भी कुछ ऐसा ही होता है, यानी कि इंसान की मृत्यु तो हो जाती है पर उसी व्यक्ति की आत्मा एक नया जन्म लेती है। नया जन्म लेकर भी वो व्यक्ति अपने पिछले जन्म की यादों को भुला नहीं पाता। कुछ ऐसा ही घटा था शांति देवी के साथ भी। ये बात है सन 1930 की, जब भारत में सभी आजादी पाने की लड़ाई में मग्न थे। तभी दिल्ली के इलाके में एक दंपत्ति के घर एक लड़की पैदा हुई। 4 साल तक तो सब कुछ ठीक था, पर 4वें साल में पढ़ते ही शांति देवी अपने माता पिता से अजीब अजीब बातें कहने लगी। शांति देवी अपनी माँ से कहती कि जिस घर में वो रहती हैं, वो उसका घर है ही नहीं, बल्कि उसका घर मथुरा में है। कभी कभी वो बताती कि उनका नाम शांति नहीं बल्कि लुगड़ी देवी है। ये सारी बातें सुनकर शांति देवी के घर वाले भी सोच में पड़ गए, पर 4 साल की बच्ची के मुंह से निकली बातों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वक्त बीतता गया और शांति देवी हर वक्त अजीबोगरीब बातें करती रही। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि वह शादीशुदा है और उनके पति मथुरा के व्यापारी हैं। एक बार तो वो अपने घर से भाग गई ताकि वो मथुरा जा सके, पर बीच रास्ते में ही उनके परिवार वालों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने स्कूल में अपने पति का नाम भी बताया और अपनी सहेलियों से ये भी कहा कि उनका एक बेटा है जिसके जन्म के 10 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। जब ये खबर स्कूल के हेडमास्टर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने शांति देवी को अपने पास बुलाया और उनसे पूछताछ की। तब शांति देवी ने बताया कि उनका वास्तविक नाम लुगड़ी देवी था। वो मथुरा की चौबे खानदान की बहू थी और उनके पति एक व्यापारी हैं।
शांति देवी ने ये भी बताया कि वो एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर गई थी। शांति देवी ने अपने पति से जुड़ी और भी कई बातें बताई, जैसे कि वो गोरे हैं, उनके बाएं गाल पर एक बड़ा तिल है और वो चश्मा पहनते हैं। हेडमास्टर भी ये सारी बातें सुनकर अचंभित हो गए। एक छोटी बच्ची जो कि अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे बता रही थी और इतने यकीन के साथ सारी बातें बता रही थी कि उनके हेडमास्टर से भी इस विषय की जांच पड़ताल किए बिना रहा नहीं गया। उन्होंने मथुरा में कुछ लोगों को भेजा और उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया और उन्हें सच में मथुरा में केदारनाथ चौबे नाम के एक व्यापारी का पता चला। शांति देवी के हेडमास्टर ने देर ना करते हुए केदारनाथ को एक चिट्ठी लिखी और शांति देवी के बारे में और उनकी कही हुई बातों के बारे में बताया। केदारनाथ ने उन्हें उस चिट्ठी का जवाब भी दिया, जिसमें उन्होंने शांति देवी की कही हुई बातों को सच बताया और ये भी लिखा कि उनके एक रिश्तेदार पंडित कांजीमल दिल्ली में ही रहते हैं, जो शांति देवी से मिलकर इस घटना को परखेंगे। केदारनाथ के द्वारा लिखी चिट्ठी के मुताबिक ही उनके रिश्तेदार शांति देवी से मिले और पहली मुलाकात में कांजीमल ने खुद को केदारनाथ बताया, पर पलक झपकते ही शांति देवी की ओर से जो जवाब आया उसने सबको और हैरान कर दिया था। शांति देवी ने बताया कि वो उनके पति नहीं बल्कि उनके देवर है, जो कि बिल्कुल सच था। इसके बाद शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। मथुरा जाते वक्त शांति देवी की यादें ताज़ा होने लगी थी। उन्होंने केदारनाथ के घर पहुंचने का रास्ता बताया। घर पहुंचते ही उन्होंने घर की चौखट पर खड़े एक बुजुर्ग के पैर छुए और उन्हें अपना ससुर बताया। घर के अंदर घुसते ही केदारनाथ और उनका 10 साल का बेटा नवनीत लाल खड़ा था। उन दोनों को देखते ही शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने बेटे को पकड़ के फूट फूट कर रोने लगी। केदारनाथ ने अपने घर वालों से आग्रह किया कि शांति देवी को घर के अंदर ले जाकर पूछताछ की जाए। शांति देवी से कई सवाल पूछे गए, जैसे कि कटोरा किसे कहते हैं, जिसके जवाब में शांति देवी ने कटोरा एक तरह का पराठा बताया जो सिर्फ चौबे परिवार में ही बनाया जाता था। उनसे जितने भी सवाल पूछे गए उन्होंने सबके सही जवाब दिए। फिर केदारनाथ ने शांति देवी को एक बंद कमरे में ले जाकर उनके दाम्पत्य जीवन से जुड़े कई प्रश्न किए, जिसका शांति देवी ने वही जवाब दिया जो लुगड़ी देवी को ही पता था। एक छोटी बच्ची से अपने पत्नी और उनके जीवन की सारी बातें जानकर केदारनाथ की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने सबके सामने ये स्वीकार किया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी है। जिस पर शांति देवी ने केदारनाथ से एक सवाल किया कि उन्होंने लुगड़ी देवी की मौत के बाद दूसरी शादी क्यों की, जबकि उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया था कि वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस सवाल पर केदारनाथ ने चुप्पी साध ली। ये कहानी जल्द ही पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी। आजादी की लड़ाई के बीच इस अद्भुत घटना ने सबका ध्यान खींचा और महात्मा गांधी भी इससे अछूते नहीं रहे। इस घटना की खबर हर अखबार में छपने लगी। तब गांधी जी ने एक कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें भारतीय संसद, मीडिया के लोग और भी कई महान हस्ती समेत 15 लोग शामिल थे। इन 15 लोगों को इस विषय की जांच का उत्तरदायित्व सौंपा गया। शांति देवी को दोबारा मथुरा ले जाया गया, जहां इन 15 लोगों ने
हर घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने भीड़ में खड़े एक व्यक्ति के पैर छूकर उन्हें अपना जेठ बताया। केदारनाथ के घर जाते वक्त हर गली से जुड़े छोटी छोटी चीजें बताई, जिनके बारे में पहले कभी चर्चा नहीं हुई थी। कमीशन के लोगों को शांति देवी ने घर के एक कोने में छुपाए एक बक्से के बारे में भी बताया, जिसमें शांति देवी ने अपने पिछले जन्म में कुछ पैसे रखे थे। उस जगह की अच्छी से छानबीन करने पर उन्हें वही बक्सा मिला, पर उसमें से पैसे गायब थे। बाद में केदारनाथ ने बताया कि लुगड़ी देवी की मौत के बाद उन्होंने उस बक्से से वो पैसे निकाल लिए थे। गांधी जी के द्वारा भेजी गई समिति के लोगों ने उनसे और भी कई सवाल पूछे, जैसे कि क्या उन्होंने पिछले जन्म में किसी को पैसे उधार दिए थे, जिस पर शांति देवी ने कहा नहीं। उस बक्से में कितने रुपए थे? शांति देवी ने बताया 150 रुपए। लुगड़ी देवी कैसे गहने पहनती थी? जिस पर शांति देवी ने बताया मांग टीका, गले में हार और हाथ पैर में चूड़ियां। शांति देवी ने अपनी मृत्यु से जुड़े एहसास को भी बताया। उन्होंने कहा उनके अंतिम समय में उन्हें ऐसा लगा कि वो अंधेरे में खो गई हैं और अचानक उन्हें प्रकाश की किरणें दिखाई दी। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक सोने की सीढ़ी पर चढ़ने लगी थी, जहां उन्हें एक नदी दिखाई दी जो बिल्कुल दूध की तरह सफेद थी। इस घटना के बाद शांति देवी पर कई परीक्षण किए गए। डॉक्टर इंदिरा सेन, जो कि एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट थी, से लेकर डॉक्टर यान स्टीवेंसन, विश्व के महान विशेषज्ञ ने शांति देवी के केस पर अध्ययन किया और पुनर्जन्म की बात को कबूला, जबकि कई विशेषज्ञ आज भी इस बात को नकारते हैं। शांति देवी 61 साल तक की उम्र तक जीवित रहीं। वो अपने जीवन काल में अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों से मिलती रही और उन्होंने शादी भी नहीं की। 1987 में शांति देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और हम सभी को सोचने पर मजबूर कर गई कि क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है। हालांकि हर धर्म में पुनर्जन्म की बात की गई है, पर विज्ञान ऐसी बातों को नहीं मानता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ किंतु तू उन्हें नहीं जानता। तो क्या पुनर्जन्म वेदों और उपनिषदों में लिखी और सुनी सुनाई बातें हैं, या इस ब्रह्मांड के जीवन चक्र का एक पहलू? आपको क्या लगता है? अगर आप भी पुनर्जन्म में यकीन करते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।